हाय एवरीवन, दोस्तों एक टेंटेटिव प्लान बनाया मैंने स्टडी का आपके लिए। तो एक मेरी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर मैंने बनाया और इसमें काफ़ी एनालिसिस भी है। मुझे समझ है इन सब्जेक्ट की डीपनेस की, इन पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो इनका काफ़ी सारा एक पढ़ाने का भी और पढ़ने का भी एक्सपीरियंस है। उस बेस पर मैंने बनाया है, क्योंकि टेंटेटिव है, इसमें आपके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं आपकी स्टडी के लेवल के हिसाब से। तो ये दोनों लोगों के लिए काम का है, जो पहले से स्टडी कर रहे हैं वो भी, और जो अभी अभी शुरू किए उन लोगों के लिए भी है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे प्लान होना चाहिए। तो जो भी टेंटेटिव रहेगा आपके अकॉर्डिंग इसमें बदल कर सकते हैं। हाँ, एक बात याद रखो, इसका ऑर्डर आपको फॉलो वही करना है जो ऑर्डर मैंने लिखा है, ठीक है। तो कुल मिला के मैं मानता हूँ कि आप दिन में से 10 घंटे पढ़ रहे होंगे, इसमें कम ज़्यादा भी होंगे तो वैसा आप आपका टाइम टेबल अरेंज करना। और कुल यहाँ से 12 दिन बचे, 9 तारीख की आज 12 या 13 दिन बाकी है। तो इसको कैसे मैनेज किया जाए वो मैं बताता हूँ आपको, और आपकी स्टडी के हिसाब से आप उसको मैनेज मतलब चेंज भी कर सकते हैं। तो देखिए, 10 घंटे के पहले 4 घंटे हर दिन डेली आपको करना है। ये पहले 4 घंटे हर दिन के 4 घंटे डेली आपको रीजनिंग और मैथ करना है, डेली करना है आखिरी दिन तक, या फिर एक दिन पहले मतलब एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप उसको छोड़ सकते हैं। रिवीजन का प्लान आपका जैसा होगा वैसा आपको अरेंज करना है। तो डेली इसकी प्रैक्टिस करनी है मैथ और रीजनिंग की। मैथ रीजनिंग में आपको सिर्फ वही टॉपिक करने हैं जो जल्दी हो सकते हैं और एग्ज़ाम जल्दी मतलब एग्ज़ाम में उसका आंसर जल्दी आ सकता और आसान है आपको समझने के लिए। जो टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है वो आपको छोड़ने हैं या फिर होल्ड पे रखने हैं, या फिर उसको बैलेंस करना है, कैसा आप कर सकते। तो मतलब आपकी मैथ और रीजनिंग में प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, सबसे पहले आसान क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में टाइम कम लेते वो, और जो आपको समझने में आसान है वो। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप वैसा वैसा आपने उसकी डेपनेस उसकी मतलब आगे जो डिफ़िकल्ट है वो बढ़ते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग में दोनों में ही है। और हुआ तो मैथ अगर आपका बहुत वीक है और आपको लगता है कि अभी बहुत पॉसिबल टाइम कम नहीं है ना, तो मैथ आप देखिए क्या कर सकते, तो उसमें के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक भी कर सकते, ठीक है। इसके अब जो भी सब्जेक्ट है जैसे मैथ और रीजनिंग है या फिर और भी सब्जेक्ट है, तो उनकी प्रायोरिटी कैसी होनी चाहिए, कौन से टॉपिक करने चाहिए और कौन से नहीं करना चाहिए, या फिर उनको लास्ट में करना चाहिए, इससे रिलेटेड मैं हर सब्जेक्ट का एक वीडियो स्पेशल वीडियो बनाऊँगा, आपको डिटेल में बताऊँगा कि आपको कौन से आसानी से हो सकते कम टाइम में और कौन से जो टाइम ज़्यादा लेते, वो चीज़ें मैं आपको समझाऊँगा वन बाय वन वीडियो बना के। अभी ये रीजनिंग और मैथ का आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो आपको रीजनिंग और मैथ डेली करना है, क्योंकि उसमें आपको एक्सपर्ट बनना होता है, शॉर्टकट्स होते हैं उसके, आपको शॉर्टकट में कम टाइम में जल्दी मतलब फास्ट आंसर निकालना पड़ता है। क्लास में जनरली हम लोग बच्चों को ट्रिक सिखाते हैं इससे रिलेटेड कि बहुत कम टाइम में मतलब 10 से 15 सेकंड में आपका आंसर आना चाहिए, इस तरह की प्रैक्टिस कराते हैं। बट वो सभी पर लागू नहीं होता, उसमें डिफ़िकल्ट लेवल के भी होते हैं। जैसे मैं कुछ बातें आपको बता देता, जैसे रीजनिंग में आप जो पज़ल वगैरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो हमेशा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। अब इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, मैं भी यहाँ डिटेल में एलोबरेट करूँगा तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ज़रूरत से ज़्यादा, तो इसलिए मैं नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में उनको सब बताऊँगा आपको, ठीक है। उसके बाद में ये आपके 4 घंटे इंगेज हो गए दिन के। अब उसके बाद में आपका देखो लास्ट में 1 घंटा आपको देना है रटने के लिए। अब क्या क्या रटना है मैं आपको लास्ट में ही बताता हूँ। 1 घंटा जब हम लोग थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो इस समय आप क्या कीजिए, ग्रुप बनाइए आपका 2-4 लोगों का, ज़्यादा बड़ा ग्रुप मत बनाइए, टाइम पास हो जाएगा। और 1 घंटा उसमें रटने के लिए बैठिए, क्योंकि रटना एक टफ काम है और आपको रटना काफ़ी कुछ है इसमें। क्या क्या रटना है मैं बताता हूँ आपको। अब आपके ये बीच के 5 घंटे आते हैं, तो ये 5 घंटे में आपके सब्जेक्ट रहेंगे। अब यहाँ पर आपको डेली नहीं पढ़ना है, इनको डायरेक्टली कंप्लीट करना है, सब्जेक्ट्स को क्या करना है, ख़त्म करना है। तो पहले आपको सबसे पहले CDP करना है। CDP के लिए 1 दिन काफ़ी है। 1 दिन कब काफ़ी है, जब आपको पता हो कि क्या पढ़ना है तब काफ़ी है। जैसे हम लोग बच्चों को हम लोग ने पेपर एनालिसिस करके 30-35 मार्क्स पेजेस के नोट्स तैयार करके दिए बच्चों को क्लास में, तो 1 दिन में उनके लिए इनफ है, और कुछ लेक्चर्स भी वो भी देखकर इनफ हो जाता। तो 1 दिन में काफ़ी है, कब, जब आपके पास मटेरियल अवेलेबल तब। अब CDP में अगर आप प्रीवियस ईयर के मतलब मान लो CTET के या MHA TET के नोट्स पढ़ रहे होंगे, तो आपका टाइम वहाँ ज़्यादा लगेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा मतलब कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं। तो आपको पेपर एनालिसिस के साथ आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होना चाहिए, तब पॉसिबल 1 दिन में होना है, और हो जाता 30-35 पेज है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है।
वैसे ही सोशल साइंस का है, सोशल साइंस 2 दिन में ख़त्म होता है आपके पास में। सोशल साइंस के लिए आपके पास में एनालिसिस करे हुए नोट्स अवेलेबल होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। अब सोशल साइंस में आपको हिस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है, हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। अगर उसमें भी करना है तो हिस्ट्री में सिर्फ क्या कीजिए, सिर्फ किसने कौन सी बुक लिखी है, कौन सी बैटल किसके साथ हुई थी, मतलब बैटल का नाम क्या है, बैटल मतलब जंग, जंग कहाँ हुई थी, उसका नाम क्या था, बस इतना याद रखिए। या फिर ऐसा भी पूछता है उसमें कि जंग किसके बीच में हुई थी और उसका नाम क्या था, तो एक लिस्ट है, एक पेज में हो जाता, उतने में हो जाएगा। इसके अलावा आपको हिस्ट्री में जाना नहीं, क्योंकि हिस्ट्री कितना भी पढ़ लो स्कोर नहीं होता उसमें। सिर्फ क्या करना है आपको इसमें से, ज्योग्राफी करनी है, सिविक करनी है और जीके करना है, ठीक है, हो जाता। 30-35 पेज है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 2 दिन इनफ है, आराम से हो जाता। फिर नेक्स्ट आपका प्रायोरिटी होनी चाहिए इंग्लिश ग्रामर। आपकी इंग्लिश भी हो सकती है, मराठी भी हो सकती है, जनरली उर्दू मीडियम के बच्चे तो इंग्लिश ही रहेंगे आपकी। इंग्लिश में आपको ग्रामर पढ़ना है, इसका वोकैब नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सिर्फ इंग्लिश का ग्रामर। इसमें सिलेक्टेड टॉपिक है, इसमें 3 दिन टाइम दिया है मैंने, मुझे लगता है 3 दिन काफ़ी है, ज़्यादा भी हो सकते हैं 3 दिन, क्योंकि कुछ सिलेक्टेड टॉपिक ही करने हैं आपको। जैसे पहले आपको टेंस करना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वॉइस करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच करना है, आर्टिकल करना है, डिक्शनरी वर्ड करना है, थे गिने चुने 7-8 टॉपिक ही करने हैं, वोकेबलरी नहीं करनी है, ठीक है। इससे ग्रामर के, सिर्फ ग्रामर के ही टॉपिक करने हैं आपको, जो मैंने अभी बता ही दिया आपको। 3 दिन के बाद में फिर आपकी नेक्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए मराठी ग्रामर। मराठी ग्रामर में भी अगेन आपको क्या करना है, ग्रामर ही पढ़ना है इसका, इसकी वोकेबलरी पढ़नी है क्या, नहीं पढ़नी है, ठीक है। इसके लिए 3 दिन है, इसके लिए भी 3 दिन इनफ है, कोई दिक्कत नहीं। दो यू आर इन उर्दू और इंग्लिश मीडियम, तो आपको मराठी टफ जाएगा, कोई दो राय नहीं, बट इंग्लिश के कंपेयर में मराठी ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो 3 दिन इसको करना है। यहाँ भी आपको सिर्फ ग्रामर पढ़ना है, इसका शब्दार्थ रटने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट प्रायोरिटी आती है आपकी साइंस, आपको साइंस करना है लास्ट में। क्यों, इसकी वजह कि साइंस ना साइंस हिस्ट्री की तरह है, कितना भी पढ़ लो स्कोर नहीं होता ज़्यादा, और इस पर करीब करीब आपके 25 के करीब क्वेश्चन से, तो लास्ट की प्रायोरिटी में रखो। अब इसमें भी साइंस में भी आपको क्या करना है, पहले तो जो यूनिट्स है, जो फिज़िकल क्वांटिटी के जो यूनिट्स होते हैं ना, तो वो यूनिट्स पढ़ने हैं सारे के सारे, और इंस्ट्रूमेंट पढ़ लेने के, कौन से इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, तो पहले वो करने का, उसके बाद में बायोलॉजी करने की, फिर फिज़िक्स और केमिस्ट्री छोड़ भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नहीं होगा आपसे इतने कम टाइम में, ठीक है, ये बात को याद रखिए आप। उसके साथ साथ लास्ट में कंप्यूटर के मेन मेन चीज़ें पढ़िए, कंप्यूटर 1 दिन बहुत है, कंप्यूटर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ने का, और इंटरनेट से रिलेटेड जो टर्मोलॉजी है वो पढ़ने की आपको, वो हो जाता है 1 दिन में, पूरा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मेन पढ़ने का हो जाता। जनरली लगभग सबने बेसिक कंप्यूटर के कोर्स किया होगा ना, तो आपको पता ही है, और हम लोग मोबाइल वगैरह और लैपटॉप यूज़ करते तो ज़्यादा डिफिकल्टी जाएंगी नहीं आपको, ठीक है, तो 1 दिन इनफ है। अब ये जो टाइम टेबल बताया मैंने आपको, वो आपको इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि किसको कम ज़्यादा टाइम आप कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, या फिर आपकी स्टडी हो चुकी होंगी तो उसके हिसाब से आप इनकी प्रायोरिटी को भी मेंटेन कर सकते हैं। अब आता लास्ट में आपको क्या करना है, रट्टाफिकेशन करना है, रटना है, तो रटने के लिए 1 घंटा डेली निकालिए, ग्रुप बनाइए 2 या 3 बच्चों का साथ में, ठीक है। अकेले में रट सकते तो अकेले में रटिए, कोई दिक्कत नहीं, पर मेरा ऐसा मानना है कि रटने का काम अकेले में होगा नहीं, आप ग्रुप में बैठेंगे ना तो थोड़ा हो जाएगा, बट बहुत बड़ा ग्रुप बना के मत बैठो, गप्पे मारने लग जाएंगे दूसरे। छोटा ग्रुप बनाओ 2-5 लोगों का, सीरियस लोगों का, आराम से 1 घंटा आने का रटने का, ठीक है। अब रटने में क्या करना है आपको, सबसे पहले जीके रटना है, जीके, अब जीके कौन सा रटना है ये भी अब एक क्वेश्चन है, अगेन एनालिसिस का पार्ट है, आपके पास में एनालिसिस करे हुए नोट्स अवेलेबल होना चाहिए आपके पास में एटलीस्ट, या फिर मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए आपके पास में, तब आप रट पाएंगे उसको, ठीक है। और बहुत एनालिसिस करके ये जो सीटेट ऐप की, इसका एकदम कंटेंट एक्सट्रैक्ट करना बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है, आसान काम है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है मराठी की वोकेबलरी, जिसको शब्दार्थ बोलते हैं, शब्दार्थ, तो आपको शब्दार्थ को रटना है। आप बोल सकते हैं, आप सर इंग्लिश की वोकेबलरी क्यों नहीं ली यहाँ पे, तो देखो बच्चों, इंग्लिश की वोकेबलरी से ज़्यादा सर्टन मराठी की वोकेबलरी है, वो आपको मुश्किल जा सकती है, पर उसमें फिक्स मार्क्स है, पूछता ही है, आपको आएंगे ही आएंगे, कोई भी एग्ज़ाम में वही घुमा फिरा के वही वोकेबलरी होती है, मनी शब्द वाक् प्रचार और समानार्थी विरोधार्थी वही पूछता है, और वो उतने सिलेक्टेड में से ही क्वेश्चन आता है। लास्ट में इंग्लिश का लास्ट में मैं इंग्लिश रटने का मैं लास्ट में इसलिए रख रहा हूँ, इंग्लिश की वोकैब बहुत अनसर्टन है, आप कितना भी पढ़ लो कहाँ से पूछेगा, कोई बोलते नहीं आता उसको। इंग्लिश में भी रटना है तो फ्रेजेस रटो और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन रट लो आप, डिक्शनरी वर्ड कर लेना, ये सब चीज़ें हैं।
तो ये आपको फॉलो करना है इस तरह, ठीक है। ये एक्चुअल में ये क्लास का टाइम टेबल है, मैंने जो हमारे बच्चे हैं क्लास के उनके लिए बनाया था, तो मैं बोला वो आपके साथ भी शेयर कर दूँ, आपका भी फ़ायदा होगा, ठीक है। ये शेड्यूल आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप आपके इंटरेस्ट आपके हार्ड और डिफ़िकल्टी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें चेंज कर सकते हैं आप। इसका टाइमिंग चेंज कीजिए, इसका ऑर्डर मत चेंज कीजिए, क्योंकि ऑर्डर मुझे पता है कि कम टाइम में और आसानी से कौन से सब्जेक्ट में मार्क्स होंगे आपके, मैंने बराबर बनाया है। तो इसका ऑर्डर मत चेंज कीजिए, इसका टाइम चेंज कीजिए अपने अकॉर्डिंग। उसके अलावा जो बच्चों को अगर नोट्स वगैरह चाहिए या रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए तो कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, डिस्क्रिप्शन में या थंबनेल पे मेरा नंबर मिल जाएगा आपको, आप मुझे कॉल कीजिए, ठीक है। मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में जो सेपरेट सब्जेक्ट है उनमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है उनकी लेक्चर बनाने वाला हूँ, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, जल्दी ही मिलूँगा मैं, ये एक दो दिन में पूरा आपको करके दे दूँगा सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करके रखिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन है वो भी दबा के रखिए, ताकि आपको जो भी अपडेट आएंगी पता चलेगी। टाइम कम है, थोड़ा अपडेट रहिए। और एक अच्छी सलाह दे देता मैं आपको जाते जाते, देखो आप यूट्यूब पे या फिर सोशल मीडिया पे ना एक कोई अच्छा सोर्स पकड़ लो, एक कोई सोर्स पकड़ लो ईमानदारी से, जितने भी यूट्यूब वगैरह पे या फिर सोशल मीडिया पे जो भी कंटेंट अवेलेबल करा के देते ना सब 19-20 होता है, लगभग 19-20 होगा, कोई ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ेगा। 12 सोर्स के चक्कर में आपका टाइम देगा, एक ही सोर्स ईमानदारी से कीजिए, एक ही सोर्स के पीछे टाइम बहुत कम है आपका। YouTube पे इधर उधर ये लेक्चर देख कभी ये चैनल वो चैनल, उसमें क्या होगा आपको समझ में भी नहीं आएगा आपको पढ़ना क्या है, बस आपका टाइम वेस्ट होगा। एक कोई अच्छा सोर्स पकड़ो और उस पर बने रहो, ठीक है। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।